नमस्कार, देसी कुकिंग शो में आपका स्वागत है। उम्मीद करती हूँ आज की रेसिपी आपको पसंद आएगी। सर्दियों के मौसम में मार्केट में बहुत ही अच्छे आंवले आने शुरू हो जाते हैं, और आपको तो मालूम ही है कि आंवले गुड़ों की खान होते हैं। इसे प्रचुर मात्रा में विटामिन सी और कई तरीके के विटामिन मिलते हैं। तो ऐसे में अगर हम एक बार इनको प्रिजर्व करके रख लें, आंवले को, चाहे वो अचार के रूप में या फिर मुरब्बे के रूप में या फिर उसकी सुपारी बना के, तो पूरे साल इसका आनंद ले सकते हैं। तो आज मैंने इसी तरीके से आंवले का मुरब्बा बना के रखा है, तो चलिए देखते हैं इसको किस तरीके से बनाना है। आंवले का मुरब्बा बनाने के लिए मैंने ये आंवले लिए हैं, एकदम अच्छे आंवले देख के लेना है, बड़े साइज़ के हों और थोड़े हल्का सा पीलापन लिया हो, यानी कि वो पकने वाले जब होते हैं तो उनमें क्या कसैलापन नहीं रहता है। तो इस तरीके के आंवले छांट लेंगे आंवले का मुरब्बा बनाने के लिए। फिर इसे मैंने फॉक से छेद करके इनको रात भर के लिए पानी में भिगो दिया था, पानी में डूबे हुए थे। इससे क्या होता है, इनका कसैलापन काफ़ी कुछ निकल जाता है पानी में। बाकी हमें उसमें कोई चूने का पानी या फिटकरी वगैरह कुछ नहीं डालना, सिर्फ सादा पानी लेना और उसमें इसको डुबा के रखना है। तो अब ये इनको कल रात में मैंने डुबाए थे, अब इसको निकाल देते हैं सारा पानी। फिर इसको बॉयल होने के लिए एक बर्तन में मैंने पानी चढ़ाया हुआ है, उसमें फिर ये आंवले सारे डाल देंगे। ये मैंने पानी बॉयल होने के लिए रख दिया था, अब इसमें ये आंवले जो हैं वो डाल देंगे। अभी गैस जल रही है नीचे, जब इसमें बॉयल आएगा बस 2-3 मिनट पकाना है, उसके बाद गैस बंद करके इसको ढक के छोड़ देना है। कम से कम 15-20 मिनट, आधे घंटे के लिए इसको ढक के छोड़ देंगे। तो बस इसको डाल दिया, अब इसको बॉयल आने का वेट करते हैं। ये देखिए आंवले में उबाल आ रहा है, 2 मिनट हो गए उबलते हुए, इसका कलर भी चेंज हो गया है। पहले के आंवले के और अभी के आंवले में अंतर आ गया है, पीलापन हो गया है इसमें। पहले के आंवले एकदम हरे से थे, देखिए कितना अंतर आ गया दोनों में। बस अब इसको बंद कर देंगे और आधे घंटे के लिए इसी गैस पर ढक के छोड़ देंगे। बंद करके इसको आधे घंटे के लिए इसी पर रखा रहने देंगे गैस बंद कर। ये देखिए गैस बंद करने के बाद भी ये अपने आप इसमें पकते रहे और ये ऊपर आ गए सारे, इसमें पानी ज़्यादा था इसलिए ऊपर तैर गए, इसका मतलब ये अच्छे से पक गए। अब इसको एक दूसरे बर्तन में निकाल लेते हैं। ये देखिए थोड़े थोड़े से सॉफ्ट हुए, अब ये 50% के करीब पके हैं, अब बाकी ये चाशनी में पकेंगे। अभी जितना आंवला लिया है उतनी ही चीनी इसमें डाल देंगे। 1 किलो आंवला था तो इसमें 1 किलो चीनी डाल देंगे और इसको मिक्स करेंगे। अब आपके पास दो ऑप्शन हैं, या तो इसको इस तरीके से चला के इसको कुछ देर के लिए छोड़ दें तो अपने आप ही ये आंवले पानी छोड़ेंगे और ये चीनी गीली हो जाएगी, फिर गैस ऑन करके इसको पका लेंगे। और दूसरा ऑप्शन है कि अगर आपको तुरंत पकाना है तो इसमें फिर 2-3 चम्मच भर के, ऐसा है थोड़ा सा बड़ा चम्मच है, 1 टेबल स्पून, 2-3 टेबल स्पून इसमें पानी डाल देंगे और इसको गैस जला के धीमी आँच पर एकदम सिम पर गैस को ऑन करके इसको पका लेंगे। तो मैं इसको छोड़ देती हूँ आधे घंटे बाद, इसको देखते हैं इसमें कितना पानी निकला है अपना खुद का आंवले का। अब इसको देख लेते हैं, 1 घंटे के करीब हो गया है इसको रखे हुए हमको। ये देखिए कितना पानी इसमें से अपने आप ही निकला है, बिल्कुल पानी नहीं डाला है। अब गैस ऑन कर देते हैं, अब इसको पकने के लिए रखते हैं, क्योंकि कोई पानी नहीं डालना, जैसे जैसे चीनी ये पकेगी अपने आप पानी बन जाएगा इसमें, और फिर ये धीरे धीरे चाशनी बनेगी। फिर उसी चाशनी में इसको पकाना है, कम से कम इसमें 45 मिनट्स to 1 आवर लग जाएगा इसको पूरी तरीके से बनने में। तो देखिए धीरे धीरे चीनी पिघलती जा रही है और अपना पानी छोड़ रही है ये। इसको बस एक बात का ध्यान रखना है, इसको एकदम धीमी आंच पर रखना है, बिल्कुल सिम पर रखना है गैस को अपनी, बहुत ही लो फ्लेम पर ये धीमे धीमे पकेगी। नहीं तो क्या होगा, अगर आप तेज आंच पे पकाएंगे तो इसकी चाशनी जल्दी गाढ़ी हो जाएगी और फिर अंदर तक ये रस इसमें जा नहीं पाएगा आंवले में, तो इतने रसीले आंवले नहीं बनेंगे, चाशनी गाढ़ी हो जाएगी या जल जाएगी। तो इसलिए इसको धीमी धीमी आँच पर अपने आप पकने देंगे, बीच बीच में चलाते रहेंगे, बस इतना ही करना है इसमें। और जब पूरी तरीके से बन जाएंगे फिर इसमें कुछ मसाले पड़ेंगे। तो बस चलिए इसको पकाते हैं धीमी आंच पे रख के। ये देखिए चीनी काफ़ी मेल्ट हो चुकी है, थोड़ी सी बची है नीचे,
इस समय क्या करेंगे, छोटी इलायची लेंगे दो तीन और इनका मुंह खोल के इसमें डाल देंगे इस तरीके से, इसको इसमें डाल देंगे और बस इसके साथ अब इसको पकने देंगे। अब इसको बहुत ज़्यादा चलाने की ज़रूरत नहीं क्योंकि ये पूरी मेल्ट हो चुकी है, अभी नीचे से नहीं लगेगी। जब चाशनी, जब चीनी खड़ी रहती है, मतलब जब पिघलती नहीं है, उस समय इसको थोड़ा चलाना पड़ता है बीच बीच में। अब चलाने की ज़रूरत नहीं, बस ये धीमे धीमे अपने आप पकती रहेगी। इसको ऊपर से ढक भी सकते हैं, इसको ढक्कन से ढक देंगे थोड़ा हल्का हल्का और ये अपने आप पकती रहेगी। ये देखिए यहाँ आंवले का मुरब्बा पक रहा है, इसको पकते हुए 45 मिनट्स हो चुके हैं। अभी इसको करीब आधे घंटे और ऐसे धीमे धीमे आँच पे पकता रहेगा और ऐसे इसमें बॉयल आता रहेगा और ये धीरे 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 एकदम अंदर तक इसमें चाशनी चली जाएगी और बहुत ही ये रसीला बन जाएगा। ये देखिए कितना बढ़िया हो गया है, चाशनी अब्जॉर्ब कर ली है अंदर से। ये देखिए अब इसमें कुछ मसाले डालेंगे, जिसमें थोड़ा सा काला नमक है 1/2 टीस्पून करीब, इसको डाल देंगे। 1/2 टीस्पून ही काली मिर्च पाउडर है, इसको भी डाल देते हैं। और ये 1/2 टीस्पून सौंठ का पाउडर है, सौंठ यानी ड्राई जिंजर जो होता है उसका, इसको इसमें मिक्स कर देंगे। मैंने निकाल दिए हैं इसमें कांच के बर्तन में, अभी मैं इसको बाद में जार में रखूंगी। कितना रस भरा हुआ है इसके अंदर और ये कितनी आसानी से टूट रही है, देखिए। बहुत ही अच्छा बनता है, एक बार जरूर बना के देखिए और एक आंवला रोज खाइए और अपनी इम्यूनिटी बढ़ाइए। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आती है तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। इसके साथ ही कमेंट में बताएं कि आपकी रेसिपी कैसी बनी।